दोस्ती का पूरा किस्सा, हम लोग कैसे मिले, कैसे दोस्ती हुई, तो कभी वीडियो में बताएंगे, है ना। मजा आ गया ना भाई, बाटी कितनी मस्त बनी गई। गाइस हमारे अंकल जी है ना, बड़े मस्त मस्त आदमी है। इनका खाने के बाद कंप्लीट देखो, हलवा भी आ गया मस्त हलवा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हमारे प्यारे अंकल जी के साथ। तो आप लोग तो अंकल जी को जानते ही होंगे, अपने वर्कआउट पार्टनर है, तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अंकल मेरे लिए है, बाकी पता नहीं मेरे को। आप कुछ कहना चाहोगे? आज इनके घर से ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब छत से। सभी लोगों को आज पूर्णिमा है, थोड़ा जोर से बोलिए। सभी लोगों को आज पूर्णिमा है, उसके सबको शुभकामनाएं। पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। आज जिसने जिसने बाटी खाई आके हमारे घर पे, समझ लो उसकी पूर्णिमा सिद्ध हो गई। आज हम लोग का जो प्रोग्राम है ना अंकल जी के घर पे, आज बाटी चोखा का प्रोग्राम है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखो ये अपना मतलब तसला जो है ना पूरा रेडी हो गया आग की, और ये देखिए बाटी भी रेडी है। और देखो आज बाटी का पूरा एकदम बढ़िया। और मैं जो बाटी देख रहा हूँ ना गाइस, रियली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बाटी कभी नहीं खाई है। मैंने अपनी जो घर पे बनी नॉर्मल सी आटे की जो नहीं बनती है, जिसमें अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो वैसी मैंने खाई है। और आज इसका देखेंगे टेस्ट, ये हमारे अंकल जी ने खास कर स्पेशली हम लोगों के लिए बनाई है। और इन्हीं के छत से आज पूरा व्लॉग स्टार्ट किया, तो अपने आज का प्रोग्राम ये है, बाटी बनाएंगे बढ़िया मस्त खाएंगे। चोखा भी नीचे है, दाल भी नीचे है, और बाटी अपनी चटनी भी है, चटनी पूरी व्यवस्था है। थोड़े चावल भी खाएंगे। अच्छा गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए बॉडी बिल्डिंग के साथ लाइफ भी जीना जरूरी है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ मतलब बॉडी बिल्डिंग में ही खो जाओ, उसी दुनिया में रहो। तो यार अपना परिवार है, फैमिली है, तो सब लोग के साथ टाइम स्पेंड करे, अच्छा खाए पिए बैठे भी। और अरमान मेरे साथ है, अरमान को धुआं भी ज्यादा लग रहा है, तो आपको अरमान से भी मिलवा दूं। ये देखो अरमान, हेलो कह दो। हेलो। आज अरमान भी बाटी चोखा का पूरा मजा लेगा। पूरे गाइस देसी स्टाइल में हम लोग अपना लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो, ज्यादा स्टाइल मत रखो। क्यों बोलिए, देखने में तो टेस्टी लग रही, बाकी बस बन जाए बढ़िया। कभी कभी लाइफ को भी जीना चाहिए, है ना अंकल जी। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब अपने मतलब सब कुछ काम धंधे में भी बिल्डिंग ही नहीं करनी चाहिए, बिल्डिंग करके कोई बिल्डर थोड़ी बनना। सही बात। चाचू नीचे भी रख दीजिए। हाँ नीचे लिट्टी नीचे रख दीजिए, अभी एक तरफ से वो सीख जाए, फिर उसकी तरफ से दोबारा वो करें। अच्छा। और गाइस हमारी मस्त लिट्टियां आग की आंच पे हम लोगों ने रख दी है, थोड़ा वेट करेंगे फिर इसको पलटेंगे, आराम आराम से सीखेंगे। कोई आज फ्री है हम लोग, है ना अंकल जी, पूरा आज पूरी तरीके से फ्री है। सीख जाएंगे तो इनको कपड़े पोंछा जाएगा, फिर फोड़ के घी भरा जाएगा इसमें, तब खाया जाएगा। अभी एकदम बढ़िया तरीके से साफ सफाई होके एकदम बढ़िया, पहले इसको सीख जाए फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। सारा एक्सपीरियंस हो रहा है, जब मैं थोड़ा आगे एज में बढ़ूंगा, क्यों ना अंकल जी, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। मेरे को नहीं आती थी ये बाटी चोखा कैसे क्या बनता है, बस खाना आता था। यहाँ का मौसम देखो एकदम मस्त मौसम होके रखा है, कोहरा पड़ रहा है अभी, धूप का कोई धूप तो मतलब नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा करो अरमान, आज अरमान भी पूरा एंजॉय करेगा हम लोग के साथ। तीसरी बार ये बाटी खाने जा रहा हूँ मैं, और मेरे को लग रहा है ना ये सबसे बेस्ट बाटी रहेगी, क्योंकि इसका लुक ही अलग आ रहा है। गाइस लिट्टी तो बहुत अच्छी लग रही है। गाइस हमारे अंकल जी है ना, बड़े मस्त मस्त आदमी है। इनका मैं आपको
अभी आपको इसी व्लॉग में ही मैं एक छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगा, आपका डांस वाला वीडियो दिखा दो इन लोग को। अंकल जी जिम में कितना मस्त डांस करते हैं, तो वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए अब वीडियो चालू हो गया होगा। देखा गाइस आप लोगों ने कितना मजा आया वीडियो देखने में, तो आप लोग कमेंट करिएगा कितना अच्छा डांस लगा। अंकल जी के साथ थोड़ा लाइफ जीना अच्छा लगता है यार, थोड़ा मतलब अच्छी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे अपने लाइफ के जो इन्होंने मतलब लाइफ जैसे भी अपनी जी एक्सपीरियंस किया, तो वो आगे के लिए मतलब मेरे को ट्रेन कर रहे हैं। क्यों ना अंकल जी, ऐसा समझो आगे के लिए मैं ट्रेंड हो रहा हूँ कि जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या परेशानी आती है, उनको किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस हो रही है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है अंकल जी के साथ स्पेशली टाइम बिताना। देखो ये चिटकी है, ये अंडा बन रहा है, ये आप खाने बाटी। अब हम लोग की चिटक रही है, मतलब अंदर से भी पूरी तरीके से सिक रही है। गाइस फाइनली आधी बन गई आधी नहीं बनी, दिखाते हैं ब्लॉग में। आधी कितने 5 है और उसमें रेडी का भी काम कर लिया आपके भाई ने। फाइनली गाइस हम लोग आ गए अपने रूम में आ गए, तो अब यहीं पे अपनी बाटी चोखा का उद्घाटन होगा, है ना, है ना अंकल जी? हाँ। यहीं पे अपनी मस्त बाटी चोखा खाएंगे हम लोग अपना। अब शुरू होगा, अब इंतजार चालू हो जाएगा, इंतजार मतलब खत्म हो जाएगा यार, क्या भी बोल रहा हूँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। मजा आ रहा? अरमान की तो प्लेट आ गई, मजा आ गया, कल इतना सा खाया। खा के तो देखो तभी तो मजा आएगा। अभी मजा आ गया तो खा के। अंकल जी लीजिए। अरे आप नहीं, आप अरे आप आर यू कॉमेडी मी। गाइस ये देखो मिर्ची भी आ गई बढ़िया, ये देखो चटनी भी आ गई। आज अंकल जी दिन गार्डन कर दिया आपने। हम लोग की बाटी मतलब भुनी भी बहुत बढ़िया है ना, सब चिटक गई है। चलो गाइस सब पेट पूजा करते हैं अब हम लोग अपनी। अब मजा आ गया ना अंकल जी। गाइस मैं तो लाल मिर्च भी खा रहा हूँ। चाचू मत खाइए, मजा आ गया। बाटी कितनी मस्त भुनी गाइस, आज का एक्सपीरियंस जिंदगी भर काम आने वाला है। खाने के बाद कंप्लीट देखो हलवा भी आ गया मस्त, हलवा देखने में टेस्टी लग रहा है। ये घर पे बनाया ना अंकल जी? हलवा टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना हुआ है। कसम दिल गार्डन हो गया गाइस आज तो यार, मजा आ गया। आज का दिन अंकल जी के नाम। फाइनली अपना खाना पीना तो मस्त हो गया है ना जी? बिल्कुल फिट, मतलब फिट हो गए एकदम, खाना पीना मतलब यार मजा आ गया कसम से, पेट पूजा मस्त हो गई। तो चलो फिलहाल अब चलते हैं घर और अंकल जी से लेते हैं विदा, अलविदा। बाकी अंकल जी का पूरा किस्सा हम लोग कैसे मिले, कैसे दोस्ती हुई, तो कभी वीडियो में बताएंगे, है ना, कभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे टाइम। गाइस आज का तो दिन बहुत बेस्ट हो गया, बिकॉज आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा, अंकल जी हमारे बहुत खास प्रिय अंकल जी है, तो उन्होंने आज मतलब प्रोग्राम हम ही लोगों ने सोच के रखा था, तो मजा तो काफी आया, आप लोगों ने भी देख के ही मजा लिया होगा व्लॉग का पूरा। तो चलो अब मैं इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगा, आज का व्लॉग जो भी है पूरा